आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपको एक गेम की कहानी सुनाती हूँ। किट्टू एक सुंदर, सुशील और बड़ा ही होनहार लड़का था। पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था, जिससे उसके दोस्तों में बड़ी धाक बनी रहती थी। मम्मी पापा का बड़ा लाडला था। एक दिन किट्टू के पापा एक अच्छी कंपनी का मोबाइल फोन लेकर आए और किट्टू को दे दिया। किट्टू के पापा ने किट्टू से कहा, बेटा, इस मोबाइल की मदद से तुम और भी अच्छी पढ़ाई करोगे और आगे चलकर पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनोगे। फोन पाकर किट्टू बहुत खुश होता है, अपने पापा को थैंक यू कहता है। तभी किट्टू की मम्मी आती है। फोन देखकर वो बड़ी नाराज होती है और किट्टू के पापा से कहती है, अभी क्या जरूरत थी किट्टू को इतना महंगा फोन देने की, उसकी आदतें बिगाड़ दोगे आप। किट्टू के पापा कहते हैं, मेरा बेटा बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि देखना, मेरा बेटा इसी मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा आदमी बनेगा। किट्टू की मम्मी कहती है, मेरी कभी मानी है जो आज मानोगे। किट्टू के पापा और किट्टू हंसते हैं। किट्टू के पापा किट्टू को समझाते हैं, बेटा, फोन को उतना ही इस्तेमाल करना जितनी जरूरत हो। एक दिन किट्टू अपने एक दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा था। किट्टू अपने दोस्त को अपना फोन दिखाते हुए कहता है, रोमी, कल मेरे पापा ने यह फोन मुझे गिफ्ट किया है। रोमी को कहता है किट्टू, अरे वाह, यह मोबाइल तो बड़ा ही अच्छा है, चल यार पार्क में बैठकर फ्री फायर खेलते हैं, तुझे पता है यह नया गेम है और बड़ा ही मस्त है। किट्टू रोमी को कहता है कि भाई, मुझे तो नहीं आता यह गेम खेलना। रोमी किट्टू से फोन ले लेता है और फ्री फायर डाउनलोड कर लेता है। दोनों गेम खेलने लगते हैं। किट्टू को बड़ा मजा आता है। किट्टू रोमी को कहता है, अरे वाह रोमी, इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है, मैं रात को अपने कमरे में खेलूंगा। और फिर दोनों खेलने में लग जाते हैं। उसी रात किट्टू अपने कमरे में फ्री फायर खेल रहा था, तभी तेज हवा का झोंका आता है, खिड़कियां पर्दे हिलने लगते हैं। किट्टू घबरा जाता है, हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है। तभी अचानक से कमरे के अंदर एक बड़ा जिन और उसका बेटा छोटा जिन प्रकट हो जाते हैं। दोनों को देखकर किट्टू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिन का बेटा कहता है, डैड डैड, यह लड़का पार्क में एक मोबाइल से कोई फ्री फायर गेम खेल रहा था, मुझे यह मोबाइल चाहिए। यह सुनकर उसके डैड किट्टू को कहते हैं, यह मेरा छोटा बच्चा है हाका, इसका नाम हाका है, मैं इसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, इसका मन तुम्हारे मोबाइल पर आ गया है, हमें यह मोबाइल दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। जिन का बच्चा कहता है, डैड डैड, यह दोनों दोस्त ताली बजा बजा कर खेल रहे थे। किट्टू अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, जिन अंकल, अगर यह फोन मैं आपको दे दूंगा तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। जिन का बच्चा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, डैड, मुझे तो यही मोबाइल चाहिए। जिन किट्टू को समझाता है कि मैं कोई भी मोबाइल लाके दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे हाका को तेरा ही मोबाइल चाहिए, इसलिए तुम मुझे यह मोबाइल दे दो। किट्टू उसको डरते डरते मोबाइल दे देता है और जिन किट्टू को कहता है, तू बड़ा ही समझदार है और बड़ा होशियार लड़का है। जिन किट्टू को खूब सारा धन दौलत दे देता है। किट्टू खुशी से झूमता है। अगले दिन सुबह किट्टू सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है और वे बहुत खुश होते हैं। किट्टू के पापा किट्टू की मम्मी को कहते हैं, देखा, मेरा बेटा कितना समझदार है, रातों रात करोड़पति बन गया। जब आपस में तीनों बात कर रहे थे, अचानक से वही जिन और जिन का बेटा प्रकट हो जाते हैं। सभी घबरा जाते हैं। जिन कहता है, ये लो तुम्हारा मोबाइल, ये कैसा है कि इससे मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन ली है।
जब से यह मोबाइल मिला है तब से मेरा बेटा इसे दिन रात खेल रहा था। इस मोबाइल ने मेरे बेटे की आंखें छीन ली हैं। तुम सबको मैं अंधा कर दूंगा। सभी जिनके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जिनका गुस्सा शांत हो जाता है, जिन कहता है यह मोबाइल बहुत ही घातक है, बच्चों को हमें इससे दूर ही रखना चाहिए।